मध्यस्थता के लिए आई थी, अभी वो सरकार के प्रेशर में है या किस चीज़ में प्रेशर में है, वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा उनको पार्टी अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो पहले थी खिलाड़ी, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले ट्रस्ट करके धोखा खा लिया है। अब कोई भी अगर बातचीत करना चाहेगा तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे, दूसरा अब की बार हम बातचीत नहीं करेंगे, जो हमारे बड़े पहलवान हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, जो बड़े बड़े हैं, मैं बता दूं आपको, समझ है, बहुत सारे द्रोणाचार्य आए हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। कंप्लेंट थाने में दी गई है, वो जो इंसिडेंट है वो कितने टाइम पीरियड के हैं, कब से इस तरीके की बातें हो रही हैं आपको? जब से ब्रजभूषण आए हैं तब से लेके और अभी करंटली जो चीज़ें चल रही हैं अब तक की, इनके बीच में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सब कंप्लेंट। मतलब हम कितना समय मान लें, 4 साल 5 साल? ताज़ा भी कंप्लेंट्स है, 12 साल से जो है ना, 12 साल से लेके जो काला चिट्ठा जो उनका है, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है, उस हर कंप्लेंट, हर लड़की कंप्लेंट्स में वही। तो कभी आप लोग आगे जो इंटरनल कमेटी है या उसके पहले आप लोगों ने इसके पहले कंप्लेंट की थी? कहाँ करते, कोई कमेटी थी ही नहीं। साक्षी कमेटी की मेंबर बना रखी, साक्षी को जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठी उस दिन पता चला कि ये सेक्सुअल हरासमेंट में कोई कमेटी है और उसकी मेंबर है साक्षी। और जो कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो महिला होती है और 50% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, उसमें सिर्फ साक्षी है, तो वो कमेटी ठीक नहीं थी। और वो अगर हम बोले भी ब्रजभूषण के खिलाफ में, उसी कमेटी में जाके बोलना मतलब कि अपने हाथ से अपने पैर काटना, खुद के हाथ में तलवार लेके। तो नहीं, जब तक एक्शन नहीं हो जाता, जब तक उस पे अरेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। बजरंग एक सवाल था, पिछली बार जब आप लोग प्रदर्शन पे बैठे थे तो उस समय WFI में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके, यौन शोषण को लेके, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी आप लोगों ने मांग रखी थी और उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी थी जब खेल मंत्रालय से कमेटी बनाई गई। इस बार टारगेट केवल और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि टारगेट ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों किया जा रहा है, उसका जवाब अध्यक्ष तो वो है ना, आप लोग बता दीजिए, आप स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं सभी लोग, जो फेडरेशन का ऑफिस होता है वो किसी के घर में होता है? आज भी ब्रजभूषण के घर में वो फेडरेशन ऑफिस चल रहा है, किस लिए चल रहा है? जो लोग सस्पेंड कर रखे हैं वही लोग उसमें बैठ रहे हैं, किसी ने अधिकार दिया किसी के घर में? अगर किसी चीज़ का मैं अध्यक्ष हूँ कोई भी खेल संघ का, तो मैं अपने घर पे ऑफिस बनाऊँगा? किसी को अधिकार दिया है? और जब उस पर आरोप है तो टारगेट उसी को किया जाएगा और जो उसके साथ इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। अभी जो चीज़ मुद्दा है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है, मुद्दे करप्शन के बहुत हैं पर पहले सेक्सुअल हरासमेंट का है। अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारी अभी किसी से बात नहीं हुई है, जैसे भी ऑर्डर आते हैं वो हम डिसाइड करेंगे बैठ के, जो हमारी कमेटी है कोचिज की, हमारे जो गुरु खलीफा है उन सभी से बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा उनका होगा, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। अब की बार लड़ाई में चेहरा हम है लेकिन लड़ाई हमारे जो कोच खलीफा है, जो बड़े हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं, आप लोअर कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए वो हमारा फैसला नहीं है, वो फैसला जो भी होगा आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद।